ज इज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स लेटस है मिनिमाइज द गिविन फंक्शन यू इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड सब्जेक्ट टू द रिलेशन फाइव एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो हमें मल्टी वेरिएबल फंक्शन दे रखा है इसको मैक्सीमाइज या मिनिमाइज करना है इस कंडीशन के साथ में तो लेग्रेंज मेथड में हम ये करते हैं इन दिस मेथड ए लेगरेंजिस फंक्शन इज टेकन एज कैपिटल एफ इक्वल टू दिस स्मॉल एफ प्लस इन टू दिस ठीक तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये कैपिटल एफ जो है फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड लैमडा ये हो गया है और ये कंस्टेंट इसमें लग चुका है तो अब ये केवल हमें ये फंक्शन मिल चुका है और इसका हमें मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन करना है तो इसके लिए जैसे पहले हम करते आए हैं उसी मेथड से करेंगे नाउ फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स वी हैव इस कैपिटल एफ के पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स वाई जेड और लेमडा हम करेंगे तो वी हैव डेल एफ ओवर डेल एक्स इक्वल टू जीरो डेल एफ ओवर डेल वाई इक्वल टू जीरो डेल ओवर डेल जेड इक्वल टू जीरो और डेल ओवर डेल लेमडा इक्वल टू जीरो लेमडा के रेस्पेक्ट जब इसको हम करेंगे तो लेमडा के अलावा बाकी सारी चीजें कॉन्स्टेंट की तरह से रखते हुए तो इसका ये डेल एफ और डेल लेमडा इक्वल टू दिस जीरो प्लस लेमडा का वन हो गया इन टू देश फाइव इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे ये जो कंडीशन पहले थी वही कंडीशन यहाँ पे रखी हुई होती है इसमें लास्ट वाले इक्वेशन में और इससे पहले ये थ्री इक्वेश और यहाँ पे आ रहे हैं तो कुल मिलाकर के ये फोर हैं थ्री वेरिएबल की प्रॉब्लम में और जितने भी वेरिएबल्स होंगे उतने में प्लस बन करके उतने इक्वेशन यहां पर बन रहे हैं अगर एक कंस्टेंट है तो एक से अधिक कंस्टेंट है तो उतने उसमें प्लस हो जाते हैं नाउ सॉल्विंग सोल्विंग इक्वेशन साइमल्टेनियसली वी मे ओबेन द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स एक्स वाई जेड एंड लैमडा फॉर विच यू इज स्टेशनरी इसमें जो हमारा ये फंक्शन है ये मैक्सिमम, मिनिमम या जैसी भी सिचुएशन होगी उसके लिए मिल जाती है द नेचर ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट मे बी ऑब्जर्व बाई द फिजिकल कंसिडरेशन ऑफ द प्रॉब्लम प्रैक्टिकली हम इसमें देखेंगे कि मैक्सिमम या मिनिमम कैसी वैल्यू मिल रही है तो इस पर एग्जाम्पल करके देखते हैं एग्जाम्पल नंबर वन गिवेन एक्स प्लस जेड इक्वल टू ए द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स रेज टू दी पावर वाई इन टू जेड टू पावर पी तो ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें देखनी है इस कंडीशन के साथ में तो इसके सॉल्यूशन में लेट एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू दिस फंक्शन इसको तो हमने स्मॉल एफ मान लिया एंड ये जो कंडीशन हमें दी हुई है तो इस ए को माइनस करके हम इधर ले जाएंगे

और सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन फाइव एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस जेड माइनस ए इक्वल टू जीरो हमारी कंडीशन थी तो इस कंडीशन के साथ में हमें इस function को maximize करना है, ये हमारी प्रॉब्लम बन गई तो मेथड में हम मानते हैं लेट कैपिटल एफ इक्वल टू दिस स्मॉल एफ प्लस लैमडा इक्वल टू दिस फाइव सो दैट दिस कैपिटल एफ इक्वल टू ये स्मॉल एफ की वैल्यू ये रख दी हमने यहां से इतनी प्लस लेमडा इन ये फाइव की ये वाली वैल्यू यहां पर हमने रख दी इस पर नंबर टू डाल दिया है तो इस तरह से ये कैपिटल एफ जो है ये एक्स बाई जेड और लैमडा चार वेरिएबल्स का ये फंक्शन हो जाता है और इन चारों वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट इसके फर्स, फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर पार्सल डेरिवेटिव टू जीरो करते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स वी हैव कर रहे हैं तो एक्स के अलावा बाकी सारी चीजें कॉन्स्टेंट की तरह से है ये एक्स की पावर एम जो है ये आगे आ गई इन टू एक्स की पावर एम माइनस वन हो गई इंटू ये एजेट कॉन्स्टेंट की तरह से और प्लस लेमडा इनटू एक्स का वन हो गया डिफरेंसिएशन बाकी ये सारी चीजें कॉन्स्टेंट की तरह से किया तो ये आ गया जेड के रेस्पेक्ट किया एंड जब इसको लेमडा के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया डेल एफ ओवर डेल लेमडा लेमडा के रेस्पेक्ट किया तो ये इसका जीरो प्लस वन इंटू दिस ब्रैकेट इक्वल टू जीरो किया तो ये हमारा जब आ गया दिस ब्रैकेट इक्वल टू जीरो तो इसको हमने लिख लिया ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल ए, ये यहां से आया है, बाई टू एना टू को डिफरेंट कर दिया हमने एक्स बाई जेड और लेमडा के रेस्पेक्ट और इक्वल टू जीरो ये यहां से रख दिया तो जो कंडीशन हमारे पास थी पहले जो दे रखी थी कंडीशन वो कंडीशन यहां पे एज इट है और इसके अलावा ये थ्री इक्वेशन और हैं तो कुल मिला हमारे पास में फोर इक्वेशन हैं इन टर्म्स ऑफ फोर अनोन्स एक्स वाई जेड एंड लैमडा तो इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो इसमें हम देखते हैं कि इस लेमडा को अगर मैं माइनस करके इधर ले जाऊं तो ये हो गया माइनस लेमडा इक्वल टू ये क्वांटिटी और इसी तरह से इसमें से भी माइनस इक्वल टू ये वाली क्वांटिटी और माइनस इक्वल टू ये वाली क्वांटिटी तो कुल मिला के बराबर होगी माइनस एलेमडा इक्वल टू ये एंड दिस कंडीशन ये, ये चीजें हैं हमारे पास में अब इस माइनस इलेमडा को तो हम छोड़ दें इधर से बाकी का इधर देखें हम कि ये एक्स की पावर माइनस वन जो है इसको हम नीचे ले जाए तो ये एम अपॉन एक्स

फिर इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल से ये करते हैं कि हम ये ऊपर वाले ये सभी न्यूमरेटर के ये हमने प्लस कर दिए प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं हम जो काम ऊपर करते हैं न्यूमरेटर में वो ही डिनोमिनेटर में करते हैं सेम चीज तो ऊपर ये हमने ऐड कर दिया n n p अपॉन ये नीचे वाले ऐड कर दिए x y z ये नीचे भी कर दिए तो ये x y z की वैल्यू तो ये a के बराबर है ये यहां से ये हमने यहां से रख दी बाकी ये एजेट लिखा हुआ है तो इससे ये हुआ एम अपॉन एक्स इक्वल टू इतने से एक्स को तो हम इधर ले जाए और बाकी इन सारी चीजों को इधर पहुंचाते हैं हम तो ये एक्स की वैल्यू मिल गई एक्स इक्वल टू ये एम इन टू ए अपॉन एम प्लस एन प्लस पी सिमिलरली दिस इक्वल टू दिस से हमें ये बाई की वैल्यू मिल गई और ये पी अपॉन जेड इक्वल टू दिस इससे हमें जेड की वैल्यू फिर सिमिलरली एक जैसी वैल्यू मिल गई और एक्स वाई जेड की इन वैल्यूज को हम रख दें जो हमारा गिवन फंक्शन था जिसको मैक्सिमाइज करवा रहे थे ये वाला जो फंक्शन था इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करवाई थी तो इसमें हम एक्स वाई जेड की ये वैल्यूज यहां पर रख दें तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इतनी आ गई ये एक्स की पावर एम यानी इसकी पावर एम तो ये एम की पावर है इनटू ये ए की पावर है अपॉन दिस ब्रैकेट की पावर एम इसी तरह से इन टू इस वाले की पावर जो है हम एन करेंगे तो ये एन की पावर एन और ये ए की पावर एन तो यहां पर ये पावर एड हो गई इसी तरह से इसका करेंगे तो की पावर ये जो है पी एड हो जाती है पावर और अपॉन में भी इस तरह से ये अपॉन वाली चीज पर पावर एम एन, एन और पी एड होकर के ये, ये हमारा आंसर हो गया है एग्जाम्पल टू ए रेक्टेंगुलर बॉक्स ओपन एट द टॉप ज टू हैव वॉल्यूम ऑफ थर्टी टू क्यूबिक फुट फाइंड द डायमें बॉक्स रिक्वायरिंग जो सरफेस होगी उसको हम मिनिमाइज करेंगे तो उसमें जितनी सरफेस कम होगी उतना ही उसमें लीस्ट मेटेरियल लगेगा और वॉल्यूम हमें दे रखा है इतना यह कंडीशन हमें दी हुई है तो इसमें हम डायमेंशन मान लेते हैं अपनी तरफ से लेट स्मॉल एक्स वाई एंड जेड एजेस ऑफ द बॉक्स इन फुट और कैपिटल फुटिटल बी इट्स वॉल्यूम एंड कैपिटल एस बी इट्स सरफेस देन वॉल्यूम तो हो गया इसका ये इसकी तीनों डायमेंशन का मल्टीप्लाई कर, करके ये हमारा वॉल्यूम हो गया एक्स वाई जेड और ये थर्टी टू क्यूबिक फुट हमें दिया हुआ है इक्वल टू थर्ड तो ये इसमें जो है फुट वाली जो वो यूनिट तो अंडरस्टूड है बाकी हम कैलकुलेशन में केवल ये थर्टी टू लिख रहे हैं चीज थर्टी टू है एंड इसका सरफेस जो है ये नीचे वाला ये एरिया एक्स x टू हो गया ठीक है बाकी इसमें इस तरह से हम देख सकते हैं कि यह ऊपर से खुला हुआ है ठीक है ओपन एट द टॉप इन्होंने बोला हुआ है तो ऊपर से तो यह खुला हुआ है ये हम x मान लें ये y और ये z, तो ये नीचे वाला एरिया ये हो गया x इन टू वाई ओनली ऊपर से ये खुला हुआ है ठीक है और ये इस साइड का ये ये y इंटू जेड ये एरिया और ये वाला भी y इंटू जेड तो ये ट्वाइस हो गया और ये वाले साइड जो है ये वाली ये x इंटू जेड ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों मिला करके ये ट्वाइस हो गया तो इस तरह से इसका टोटल सरफेस एरिया इतना हो गया ठीक है इन दोनों चीजों पर मिलाकर नंबर वन डाला so, सो वी है माइनस 32. 32 करके हम इधर ले आए तो इसको हमने ये फाइव मान लिया फिर यहां पे हम लेख मेथड लगा देंगे इसको मैक्सिमाइज करना है एस को और सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन फाइव इक्वल टू जीरो कैपिटल एफ इक्वल टू दिस एस प्लस इन टू फाइव सो दैट कैपिटल f इक्वल टू ये s की वैल्यू ये यहां से रख दी इतनी प्लस लैम्डा इनटू ये phi की वैल्यू ये यहां से रख दी अब इस ये कैपिटल f x y z और लैम्डा का फंक्शन है इन चारों के रेस्पेक्ट इसके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वल टू 0 ये हमने कर दिए इस फोर्थ वाले से तो हमें वो कंडीशन ही मिल जाती है जो होती है अब इसमें यूजिंग 2 यानी 2 से ये कैपिटल f को एक्स वाई जेड और लेमडा के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करके यहां पर रख रहे हैं और ये इक्वल टू जीरो हम सॉल्व कर लेंगे ये चार इक्वेशंस मिल गए थ्री फोर फाइव सिक्स और इनके सॉल्यूशन के लिए मल्टीप्लाइंग थ्री बाई एक्स एंड फोर वाई बाई एंड सब्रैक्टिंग ठीक है जब इसमें हमने थ्री में एक्स का मल्टीप्लाई और इसमें में बाई का मल्टीप्लाई किया तो ये फर्स्ट टर्म एक जैसे हो गए तो ये तो कैंसिल हो गए बाकी इन सभी में से हम देखें इसमें टू जेड कॉमन है है ना और ये टू जेड कॉमन लेती हुई ब्रैकेट में जो मल्टीप्लाई इसमें किए थे इसमें एक्स का और इसमें वाई का तो ये एक्स माइनस वाई हो गया और ये टर्म्स भी कैंसिल हो गए में। तो यहां पे हम देख रहे हैं इसको टू से डिवाइड कर दें इक्वल टू जीरो और ये जेड भी नॉन जीरो क्वांटिटी होगी तो इससे भी हमने डिवाइड कर दिया तो ये एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो बचा जिससे कि एक्स इक्वल टू वाई हो गया सिंस अगर यहां पर जेड को जीरो किया जाए जेड को जीरो किया जाए तो ये हमारा जो है जेड को जीरो किया जाएगा तो ये जीरो बराबर थर्टी टू होगा जो कि गलत है ये नहीं हो सकता इसलिए है, z 0 6. वो ऊपर वाली चीज यहां पे भी लिखी हुई है जेड जीरो होगा तो ये जीरो माइनस थर्टी टू इक्वल टू जीरो होगा जो कि गलत बात है बस सिमिलरली अगेन मल्टीप्लाइंग फोर वाई वाई एंड फाइव बाई जेड इसमें वाई का इसमें जेड का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया देन वी गेट इसमें बाकी के टर्म्स कैंसिल होते हुए जो दो टर्म ये बचे एक्स उसमें से कॉमन आ गया और ये मिल गया हमें इसमें भी वही वाली चीज है एक्स जीरो नहीं होगा तो इससे हमने इसको डिवाइड कर दिया तो बाई माइनस टू जेड इक्वल टू जीरो से वाई इक्ल टू टू जेड आ गया वही चीज लिखी हुई है एक्स इक्वल टू जीरो से भी हमारा ये कंडीशन सिक्स में वही चीज मिल रही है तो इसलिए एक्स जीरो नहीं होगा तो इस तरह से हमें ये मिल गया x इक्वल टू वाई और y इक्वल टू टू जेड तो इनको मिला करके क्या हो गया, हो गया x इक्वल टू वाईक्वल टू टू जेड ये चीजें मिल गई ठीक है तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन वैल्यूज को अगर हम इसमें रख दें सिक्स में ये जो सिक्स है तो इसमें x की जगह पे हमने रख दिया ये y यहां पे और ये वाई है अपनी जगह पे जेड है अपनी जगह पे माइनस थर्टी टू इक्वल टू जीरो प्लस करके तो हो गया यहाँ से टू से और इस टू से ये थर्टी टू कैंसिल हो गया यहाँ पे एट बचा और ये जेड क्यूब इक्वल टू एट तो इससे जेड इक्वल टू टू मिल गया हमको और ये जो अभी मैंने आपको बताया एक्स इक्वल टू वाईक्वल टू टू जेड जो है और इसमें ये जेड इक्वल टू टू है तो ये टू टू जा फोर ये आ गया ठीक है क्योंकि जेड इक्वल टू टू है तो इस तरह से हमें ये सारी वैल्यू मिल गई एक्स इक्वल टू फोर मिल गया वाई इक्वल टू फोर मिल गया और जेड इक्वल टू टू तो ये है ही तो ये सारी डायमेंशन हमें मिल गई

जो रेक्टेंगुलर सॉलिड की बात कर रहे हैं उसके यहाँ पर सॉल्यूशन में हम ले लेते हैं लेट 2x, 2y एंड 2z बी द लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर सॉलिड सो वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम इसको हमने कैपिटल भी मान लिया लेट द रेक्टेंगुलर सॉलिड इज इंस्क्राइब इन ए स्फेयर सेंटर इज ओरिजिन सो इक्वेशन ऑफ द स्पेयर विल बी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई प्लस जेड स्क्र इक्वल टू आर स्क्वेयर आप पहले से जानते हैं सेंटर ओरिजिन और रेडियस आर का आर के स्पेयर का इक्वेशन ये हो गया तो सो वी हैव टू मैक्सिमाइज वी इक्वल टू दिस वॉल्यूम ठीक है और सब्जेक्ट टू द कंडीशन दिस के इस स्फेयर के अंदर ये रेक्टेंगुलर सॉलिड है जिसका वॉल्यूम इतना है ठीक है इस वॉल्यूम को हमें मैक्सिमाइज करना है इस कंडीशन के साथ ठीक है सब्जेक्ट टू कंडीशन इसमें आर स्क्वायर को माइनस करके धर ले गए तो इक्वल टू जीरो हो गया ये कंडीशन और इस पूरे फंक्शन को हमने ये फाइव मान लिया एक्स वाई जेड का फंक्शन ठीक है तो इसमें थर्ड में हम लेग लेते हैं लेट कैपिटल एफ इक्वल टू दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन बी प्लस लेमडा इंटू कंडीशन का फंक्शन फाइव सो दैट कैपिटल एफ जो है फंक्शन ऑफ ये कैपिटल एफ इक्वल टू ये बी की वैल्यू यहां पर रख दी प्लस लेमडा इंटू फाइव की वाली वैल्यू रख दी हमने तो ये इसमें एक्स वाई जेड और लेमडा ये चार वेरिएबल्स आ रहे हैं ये कैपिटल एफ एक्स वाई जेड और लेमडा का फंक्शन है ठीक इस पर हमने नंबर टू डाल दिया नाउ फॉर स्टेशनरी पॉइंट इन चारों के रेस्पेक्ट इसके और के इक्वल टू जीरो डिफरेंशिएट कर करके हमें मिल गया सिमेट्री से एक्स स्क्वल टू वाई स्क्त इक्वल टू जेड स्क्वायर इससे एक्स इक्वल टू वाईक्वल टू जेड मिल गया तो इस रेक्टेंगुलर सॉलिड की ये तीनों साइड इक्वल हो गई तो ये क्यूब हो गया दस फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम

ये टू एक्स टू वाई टू जेड लेते हुए इसका वॉल्यूम हो गया एट एक्स वाई जेड तो इसके साथ में इस V को हमें मैक्सिमाइज करना है और सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन तो इसको आप ट्राई करें अच्छे से